अच्छा जी, तो सबसे पहले जो डिजीज उन्होंने आपकी बुक में मेंशन की हुई है वो आपके पास है पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ब्रेन का क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो इसमें आपको स्पेशलाइज्ड एरिया नजर आते हैं जो कि डार्क इन कलर होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एरिया क्या करते हैं, ये आपके पास इनके अंदर स्पेशलाइज न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डोपामिन की प्रोडक्शन करते हैं। इन एरियाज को हम लोग नाम देते हैं कि इनके अंदर बेसिकली क्या है आपके पास, इसके अंदर आपके पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स जो कि डोपामिन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इनके ब्रेन का अगर आप एरिया काट के देखें तो ये आपके पास रेड अरो से जो शो हो रहा है, यानी कि आपके पास ये वाला एरिया होता है जहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डोपामिन की प्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोगों ने साइनैप्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि डोपामिन क्या होता है। आपके पास डोपामिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को कैरी करता है। अब ये जो डोपामीन है ये किस चीज़ की इम्पल्स को कैरी करता है, ये आपके पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम की इम्पल्स को जो है वो कैरी करता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा था, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में था, यानी कि जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि आपके जैसे स्केलेटनल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को जो कंट्रोल करवाता है, यानी कि जो आपके अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में है, यानी कि बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करवा रहा है जो आपके अपने कंट्रोल में है। अब इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में आपके पास वो जो स्पेशलाइज्ड एरिया है ब्लैक कलर का जहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास वो जो सेल्स होते हैं, वो जो न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने डोपामिन की प्रोडक्शन करवानी थी वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन की जो प्रोडक्शन है वो आपके पास कम आती है। अब जब डोपामिन आपके पास कम प्रोड्यूस होगा तो वो आपके पास नॉर्मली इम्पल्स को कैरी नहीं कर सकेगा। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास जो पहला न्यूरॉन है ये आपके पास नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो नॉर्मली जो है वो क्या कर रहा है, आपके पास नॉर्मली इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है। जबकि ये दूसरे न्यूरॉन में अगर आप देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास बहुत कम आ रहे हैं, जैसे ये दो से ना आपके पास जो है वो क्या आ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं। जब आपके पास थोड़े से न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे तो जाहिर बात है वो आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ठीक तरह से अटैच नहीं होंगे। जब अटैच नहीं होंगे तो आपके पास यहाँ से यहाँ पे इम्पल्स जो है वो ठीक तरह से कैरी आउट नहीं हो पाएगी, ठीक है, यानी कि वक्फे वक्फे से जब इम्पल्स जाएगी तो जारी बात है आपकी जो मोटर एक्टिविटी है, यानी कि जो आपके वॉलेंट्री एक्शन थे वो प्रॉपरली या स्मूथली जो है वो हो नहीं पाएंगे। लाइक हम लोग अपनी मर्जी से अपने हाथ पाँव को मूव कर रहे थे, अब आप उसको जो है वो स्मूथली मूव नहीं कर पाओगे, जिस वजह से बॉडी के अंदर ट्रिमर्स प्रोड्यूस होते हैं। ट्रिमर्स कहते हैं कपकपाहट को, ठीक है, ट्रिमर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हम लोग कहते हैं पार्किंसन डिजीज में आपके पास सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके पास स्मूथ मूवमेंट नहीं हो रही जिसकी वजह से ट्रिमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो डोपामिन की कमी की वजह से होता क्या है आपके पास, कि आपके पास जो मोटर एक्टिविटी है वो डिमिनिश कर जाती है, यानी कि जो आपके पास मूवमेंट होती हैं वो स्मूथ नहीं हो पाती, स्मूथ नहीं हो पाती, यानी कि बॉडी के अंदर आपके पास ट्रिमर्स प्रोड्यूस होते हैं, कपकपाहट प्रोड्यूस होती है, जो आपके पास इनवॉलेंट्री होती है, आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती। लाइक अगर आप बूढ़े लोगों को देखें तो उनके हाथ जो है वो कॉन्स्टेंटली कांप रहे होते हैं जब वो कोई काम करते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के ट्रिमर्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री ट्रिमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कपकपाहट प्रोड्यूस हो रही होती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनके मसल्स क्या करते हैं, उनके मसल्स स्टिफ कर जाते हैं, यानी कि सख्त हो जाते हैं, फ्रीज कर जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो शेकी हो जाती है, यानी कि कपकपाहट प्रोड्यूस होती है उनकी बॉडी में, लाइक हाथों में कपकपाहट, इसी तरह से जो आपके पास अल्टीमेटली मूव करती है हेड की तरफ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूरी बॉडी जो है वो शेक करना शुरू हो जाती है। इसी तरह से उनके अंदर स्पीच चेंजेस आते हैं, यानी कि उन वो जो है वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते, ठीक है, स्पीच के अंदर भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी बुक में मेंशन किया होगा कि यहाँ पे आपके पास मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो इफेक्ट नहीं होती हैं, यानी कि जो ब्रेन की अपनी कैपेबिलिटी है थिंक करने की, ठीक है, सोचने की, समझने की सलाहियत, लॉजिक या रीजनिंग देने की, वो इफेक्ट नहीं होती है। सिर्फ क्या हो रहा है, मोटर एक्टिविटीज है वो आपके पास इफेक्ट हो रही है, यानी कि आपका जो मूवमेंट्स है वो स्मूथ नहीं हो रही, लेकिन ब्रेन का अपना जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज रहेगा, यानी कि उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो आपके पास नॉर्मलाइज रहेगी। तो इस स्लाइड में उन्होंने आपके पास पार्किंसन के सिम्टम्स दिखाए हुए हैं। आपके पास जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इसमें पार्किंसन में क्या होता है, आपके पास जो वो ट्रिमर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि जैसे ही आपके पास यहाँ पे उन्होंने ट्रिमर्स दिखाए हुए हैं, आपके पास एसिमेट्रिक ट्रिमर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली कपकपाहट प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह से मास्क लाइक फेस आ जाता है, यानी कि जो स्किन हो जाती है फेस की वो भी आपके पास ढलकी हुई होती है। इसी तरह से पार्किंसन गिल्ट आ जाता है, यानी कि एक बॉडी को देखें तो वो इस तरह से आगे की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, यानी कि बॉडी जो है वो आगे की तरफ झुकी हुई है,
इसी तरह से जो आपके पास पार्किंसन के पेशेंट्स हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मूवमेंट भी आपके पास स्लो होती है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते हैं। हम लोग जब मूव करते हैं तो हम अपने बाजुओं को जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करवा रहे होते हैं, यानी कि स्विंग कर रहे होते हैं, जबकि इनके अंदर आपके पास रिड्यूस स्विंग आ जाती है, यानी कि बाजू इनके इतने ज़्यादा स्विंग नहीं करते। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, स्टिफ कर जाते हैं, तो इनकी बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि अपनी ये टांगों को या बाजुओं को सीधा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वो आपके पास फ्रीजिंग मूवमेंट आ रही है, उनको सीधा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो है वो चलेंगे, और इनके जो स्टेप्स होंगे वो भी शफलिंग होंगे, यानी कि कांप रहे होंगे। एक तो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और ऊपर से उनके स्टेप्स भी आपके पास शफलिंग होंगे, यानी कि कांप रहे होंगे। फिर इसके बाद उन्होंने बात की है कि अंदर पोस्चरल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि अपना पोस्चर जो है, अपना जो ये पोजीशन है, इसको ये ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, यानी कि पोस्चरल इनस्टेबिलिटी भी इन पेशेंट्स के अंदर आ जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं ये पार्किंसन होती किस वजह से है, ठीक है। मेन इसकी रीज़न आपके पास है जेनेटिक, यानी कि आपके पास अगर फोर फादर्स में आपके पास जो है वो जीन्स इस तरह के आ रहे हैं कि उनके अंदर अगर आपके पास पार्किंसन डिजीज़ थी, तो ये आपके पास ट्रेवल करेगी ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी, ठीक है। तो मेन रीज़न आपके पास है जेनेटिक फैक्टर। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं या पॉइजनस रेडिएशंस होती हैं, जो कि अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशंस करवा दें, जीन्स के अंदर चेंजेस करवा दें, तो उस वजह से भी आपके पास क्या हो सकता है, पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। यानी कि ऐसी म्यूटेशंस करवा दें जिसकी वजह से आपके पास डोपामिन की प्रोडक्शन जो है वो आपके पास जो है वो इफ़ेक्ट हो, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, आपके पास पार्किंसन डिजीज़ आ जाती है। फिर आपकी बुक के अंदर जैसे मेंशन किया होगा कि आपके पास सडन ट्रॉमा आ जाता है, यानी कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, हेड के ऊपर कोई चोट लगी है, जिससे आपके पास जो स्पेशलाइज्ड एरिया था, जो ब्लैक कलर का हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन में एरिया देखा था, जिसे नाम दिया जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा का, अगर वो आपके पास है वो क्या हुआ है, डैमेज हो गया है, जो आपके पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है, अगर वो डैमेज हो गया है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास ज़ाहरी बात है सब्सटेंशिया नाइग्रा जो ब्लैक कलर का पार्ट था, उसने क्या करना था, डोपामिन की प्रोडक्शन करवानी थी, तो जब वही आपके पास उसके अंदर न्यूरॉन्स की डेथ होगी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर आपके पास डोपामिन की प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है। जब डोपामिन की प्रोडक्शन कम होगी तो आपके पास वो ठीक तरह से जो मोशंस हैं, जो आपके पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो आपके पास इनवोलेंट्री हो जाएगा, यानी कि आपके वोलेंट्री कंट्रोल में नहीं रहेगा। बाकी हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो है इसका ऑनसेट कब होता है, आपके पास 50s 60s में होता है, और आपके पास ये डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव का मतलब है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप करती जाएगी, लाइक शुरू में आपके पास हाथ कांप रहे होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपका हेड भी कांपना शुरू कर देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे पूरी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शेक करनी शुरू कर देगी। तो आपके पास प्रोग्रेसिव है, यानी कि एज के साथ साथ ज़्यादा हो रही है। यूजली आपके पास 50s और 60s में ये डिजीज़ आ रही है, लेकिन इसका ऑनसेट पहले भी हो सकता है। वो कब होगा, जब आपके पास ट्रोमा की कंडीशन आ रही है, यानी कि हेड ट्रोमा आ रहा है, लाइक कोई एक्सीडेंट आ रहा है जिसमें आपके पास सब्सटेंशिया नाइग्रा, इनके ब्रेन का वो वाला पार्ट जो डोपामिन को प्रोड्यूस करवा रहा था, वो आपके पास डैमेज हो गया। इसके बाद उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप जो है वो इसको पार्किंसन डिजीज को ट्रीट किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहला जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है वो आपके पास है एल डोपा, ठीक है। एल डोपा आपके पास हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास डोपामीन की एक किस्म है, आपके पास ऐसी ड्रग है जिसके अंदर डोपामीन दी जाती है। आपको पता है हर जो कंपाउंड है उनकी आपके पास डी फॉर्म्स होती हैं, डेक्सट्रोरेटरी फॉर्म होती है और आपके पास एल फॉर्म होती है। तो एल डोपा जो है वो ड्रग के तौर पे दी जाती है, जो कि आपके पास इसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करती है, और आपके पास जो है वो फिर क्या करेगी, आपके पास मैसेज को कंटिन्यूसली लेके जाएगी दूसरे न्यूरॉन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मूथली जो है वो मैसेज आपके पास दूसरे न्यूरॉन की तरफ जा सकेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो आपका सोमेटिक कंट्रोल है वो आपके पास नॉर्मलाइज हो सकता है। दूसरा इन्होंने जो कंट्रोल मेंशन किया हुआ है, जो दूसरा ट्रीटमेंट मेंशन किया हुआ है, वो आपके पास है GDNF। GDNF क्या है, आपके पास ग्लायल सेल ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। ग्लायल सेल्स क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने न्यूरॉन में पढ़े थे कि आपके पास न्यूरॉन्स के ऊपर इस तरह से श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे कि आपके पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर आपके पास इस तरह से ये वाले श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो श्वान सेल्स क्या है, ये आपके पास जो है वो एक किस्म है ग्लायल सेल्स की, तो यानी कि आपके पास ग्लायल सेल्स की एक किस्म है। इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को निकाल के लैब में जो है वो रैट्स और मंकीज़ के ऊपर टेस्ट किया गया, तो देखा गया कि उनके अंदर वो क्या करते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर जो
डोपामिन की अपटेक है उसको फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि जो हम लोगों ने साइनेप्स वाला टॉपिक पढ़ा था कि इस तरह से आपके पास एक न्यूरॉन होता है, इस तरह से आपके पास जो है वो दूसरा न्यूरॉन होता है, इसकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यानी कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास जो है वो क्या लगने होते हैं, आपके पास जाके डोपामिन ने अटैच होना होता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर उसकी प्रोडक्शन जो है, उसकी जो अपटेक है, उसकी जो अटैचमेंट है उसको फैसिलिटेट करेगा, डोपामीन जल्दी से लगेगा, यानी कि अगर कम भी प्रोड्यूस हो रहा है तो सारे रिसेप्टर्स के ऊपर लगेगा, तो आपके पास क्या होगा, इम्पल्स को स्मूथली अगले वाले न्यूरॉन में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पास डोपामीन करवा सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अभी तक सिर्फ रैट्स और मंकीज पे हुआ है, ह्यूमन के ऊपर जो है अभी तक ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट नहीं किया गया। आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आ रहा है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने बात की है कि आपके पास डिफरेंट इम्पल्सेज जो हैं वो इसके अंदर मिक्सअप हो रही होती हैं। तो हम लोगों ने बात की थी इम्पल्स जो है वो क्या होती है, आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में होती है। तो आपके पास जारी बात है बहुत ज़्यादा इम्पल्सेज जो हैं वो मिक्सअप हो रही हैं, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपके पास एक जगह पर आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सेज एक ही जगह पर मिक्सअप हो रही हैं। इसका मतलब है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं वापस एक जगह पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास एक जगह पर एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आ गया है, स्पेशली इन ग्रे एरिया। ग्रे एरिया कौन सा था, जहाँ पे आपके पास सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और आपके पास फाइबर्स वगैरह जो है वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड का दरमियान वाला पार्ट जो है वो आपके पास ग्रे एरिया होता है, इसी तरह ब्रेन का जो पेरीफ्री वाला पार्ट होता है, किनारों वाला जो पार्ट होता है, वो आपके पास ग्रे एरिया होता है जहाँ पे सेल बॉडीज आ रही होती हैं। तो सेल बॉडीज के वाले एरिया में आपके पास स्पेशली जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आता है, यानी कि इम्पल्स के मिक्सअप होने की वजह से ज़्यादा वहाँ पे करंट आ जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ये आपके पास उन्होंने ब्रेन दिखाया हुआ है, हो सकता है आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ इम्पल्सेज जो है मिक्सअप हो रही हो, या फिर यहाँ पे इम्पल्सेज मिक्सअप हो रही हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो ज़्यादा हो। तो जहाँ पे इम्पल्सेज मिक्सअप हो रही होती हैं वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो है यूली कब होती है ये डिजीज़, आपके पास 30 से पहले होती है। अगर ये 30 से पहले हो तो हम लोग कहते हैं ये जेनेटिक है, यानी कि आपके फोर फादर्स में जो है आपके पास ये एपिलेप्सी की कंडीशन आ रही थी, वहाँ से आपके पास ऑफस्प्रिंग्स में है ये जो आपके पास है वो ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन अगर 30s के बाद हो, यानी कि ओल्ड एज में इसके अटैक्स हों, तो फिर हम लोग कहते हैं ये आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी कि किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है, यानी कि कोई मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्पल्सेस मिक्सअप हो रही हैं और आपके पास ये अटैक की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस भी इसको ट्रिगर करती है, यानी कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको पता है कि आगे जाके इसके अंदर एपिलेप्सी होनी है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसको ये अटैक जल्दी होते हैं। ठीक है, अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तो उसके अंदर जो अकरेंस होगी अटैक्स की वो जल्दी होगी, यानी कि अगर उसके पास जो है वो 2 हफ्ते बाद अटैक रिपीट हो रहा था, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो हो सकता है हर हफ्ते जो है उसको अटैक होना शुरू हो जाए। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस स्ट्रेस क्या कर रही है, इस डिजीज़ को ट्रिगर कर रही है, इसके ऑनसेट को जल्दी लेके आ रही है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आपके पास इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, ये आपका जो सेफेलिक रीजन है यानी कि जो हेड वाला रीजन है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं इस सेफेलिक रीजन के ऊपर, जो कि क्या करते हैं, करंट को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इम्पल्सेज मिक्सअप हो रही हैं, तो इसका मतलब है इधर वाले इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे आपके पास ज़्यादा पीक्स जो हैं वो शो करेंगे। ठीक है, यानी कि जब ग्राफ आएगा इस वाले एरिया में आपके पास ज़्यादा पीक्स शो होंगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है आपके पास ज़्यादा हो रहा है। तो ये टेस्ट किया जाता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि आपके पास किस एरिया में जो इम्पल्सेज हैं वो आपके पास ज़्यादा मिक्सअप हो रही हैं। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आपके पास एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स दी जाती हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि अटैक को प्रिवेंट करती हैं, यानी कि वो जो दौरा पड़ रहा होता है उसको प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में मेंशन किया होगा कि अल्कोहल जो है इसको एग्रीवेट करती है। ठीक है, एग्रीवेट करने का मतलब है अल्कोहल जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो आपके पास नर्वस जो सिस्टम होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो अल्कोहल भी क्या करती है, आपके पास इम्पल्स को स्टिमुलेट करती है। तो इसका मतलब है अगर इम्पल्स पहले ही स्पीड में आ रही है, अगर एक बंदे के अंदर चांसेस हैं कि उसकी इम्पल्सेस मिक्सअप होती हैं, तो अगर इम्पल्स जो है वो तेज़ी से आ रही है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं वो एक दूसरे से मिक्सअप होगी। तो अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है वो आपके पास अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर अटैक्स जो है वो जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि आपके पास अल्कोहल जो है वो
जो इम्पल्सेस है उसकी मिक्सिंग अप को फैसिलिटेट कर रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को अल्कोहल जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, अल्कोहल से बचना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए अच्छा जी, ताकि नेक्स्ट उनके जो अंदर जो आपके है वो पास उन्होंने अटैक्स ना डिजीज हो। दी हुई है वो आपके पास है अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि आपके पास जो ब्रेन है वो आपके पास वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो आपके पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको भी भूलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका राइटिंग का प्रोसेस है, स्टडी का प्रोसेस है, जो कुछ आपने सीखा होता है, जो कुछ लर्न किया होता है, लाइक आप अपने इवन अपने रिलेटिव्स को भूल जाते हो, आपका ब्रेन इतना वीक हो जाता है कि वो बेसिक्स चीज़ें जो है वो उनको भी जो है वो भूलना शुरू कर देते हैं। अब ये इसमें वो चीज़ डिस्कस नहीं हो रही कि जैसे आपने कोई बात की है, आप अगले ही लम्हे से उस बात को भूल गए हो, इनकी वो चीज़ नहीं है, अब बस बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को ये भूल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपके पास डायमेंशिया लाइक सिम्टम्स आ रहे होते हैं, डायमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, ब्रेन वीक हो जाता है, आपके पास श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आपके पास चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता, ठीक है, आपके पास उसको ठीक तरह से याद नहीं रख पाता और उसके बाद उसको ठीक तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपके पास अल्जाइमर डिजीज़ होती किस वजह से है। इसको सबसे पहले जो है आपके पास जो साइंटिस्ट था लुइस अल्जाइमर, उसने स्टडी किया था 1907 में, ठीक है। उसने आपके पास जो है वो डायमेंशिया के पेशेंट्स में ही इसको जो है वो देखा था और उसने ऑब्जर्व किया था कि डायमेंशिया के पेशेंट में आपके पास जो है वो अल्जाइमर क्यों होती है, यानी कि आपके पास इसके सिम्टम्स क्यों आते हैं, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है वो ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और वो श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से आपके पास अल्जाइमर डिजीज आती है। जैसे हम लोग इस स्लाइड के अंदर देखें तो उन्होंने आपको जो है वो जो आपके पास लेफ्ट साइड आ रही है यहाँ पे उन्होंने आपको हेल्दी ब्रेन दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड पे देखें तो उन्होंने आपके पास क्या दिखाया हुआ है, अल्जाइमर वाला जो है ब्रेन दिखाया हुआ है, जिसमें अगर आप देखें तो ब्रेन क्या किया है, ब्रेन जो है वो श्रिंक कर गया है, सिकुड़ गया है, अपने साइज से छोटा हो गया, ठीक है, श्रिंक कर गया है, अपने साइज से छोटा हो गया। अब जारी बात है इसके अंदर न्यूरॉन्स की डेथ हुई है तो ये ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन्स की डेथ किस वजह से होती है, किस वजह से ये श्रिंक करता है, किस वजह से ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आपके पास प्लैक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ब्रेन है, इसके अंदर आपके पास न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर ये जो रेड रेड कलर का आपको पिंक पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं, इस तरह से आपको छोटे छोटे धागे से नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास एक्चुअली होती क्या है, ये आपके पास अल्फा बीटा डाइमर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर आ रही होती हैं और इसकी कंपोजिशन में आ रही होती हैं। तो आपके पास इनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करना शुरू कर देते हैं, इनको तोड़ना शुरू कर देते हैं, लाइक इस तरह से इसको जो है वो तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इस तरह के प्लैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि फिर क्या करेंगे, ब्रेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ब्रेन के अंदर जाएंगे, जिस हिस्से में जाएंगे उस हिस्से को फिर ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, करने देंगे, लाइक न्यूरॉन के रास्ते में आपके पास प्लैक्स आ रहे हैं, आपके पास स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उस न्यूरॉन को ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करने देंगे। जब न्यूरॉन ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, जरी बात है आपके पास दूसरे न्यूरॉन्स ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करे और जिस न्यूरॉन के अंदर से वो स्ट्रक्चर्स निकले हैं, जरी बात है वो वाला न्यूरॉन, उसकी भी डेथ हो रही है, तो आपके पास क्या होगा, उस ब्रेन के उस सर्टन हिस्से की जो है आपके पास डेथ हो जाएगी, यानी कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो श्रिंक करना शुरू कर देगा। इसी तरह से दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज कर गया या उसकी जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं वो डैमेज कर गई, आपके पास जो है वो उस वजह से भी क्या होता है, न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, आपके पास सर्टेन एरिया में जो है वो न्यूरॉन्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास ये डिजीज आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये आपके पास हम लोगों ने देखा था, ये आपके पास न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लू कलर के आपके पास हैं ये आपके पास न्यूरॉन्स आ रहे हैं, जबकि ये ऑरेंज कलर के जो इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास प्लैक्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को ठीक तरह से काम नहीं करने दे रहे। इसमें अगर ये ऑरेंज ऑरेंज कलर के ये जो फैक्टर्स हैं इसको देखें तो ये बेसिकली वही अल्फा बीटा प्रोटीन के टूट के क्या कर रही हैं, आपके पास वो प्लैक्स का स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास जो है नॉर्मल ब्रेन वो आपके पास इस तरह से श्रिंक कर देगा, जैसे ये आपके पास ये नॉर्मल ब्रेन दिखाया हुआ है, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास वो वाला ब्रेन दिखाया हुआ है जो कि श्रिंक कर गया। इसमें ये जो ब्राउन ब्राउन पैचेस आपको दिखाए हुए हैं वो आपके पास किस वजह से हैं, कि यहाँ पे प्लैक्स वगैरह बने थे जिसकी वजह से ये
जो आपके पास ब्रेन है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। अगर इसके साइज को कंपेयर करेंगे तो ये वाला साइज जो है आपके पास, ये वाला जो ब्रेन है वो आपको बड़े साइज में नजर आ रहा है, जबकि ये वाला जो आपके पास ब्रेन है ये आपके पास श्रिंक कर गया हुआ है। किस वजह से श्रिंक कर गया हुआ है? वही न्यूरॉन्स की डेथ की वजह से, प्लैक्स के फॉर्मेशन की वजह से इसकी आपके पास डेथ हो गई हुई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो है वो अल्जाइमर डिजीज होती किस वजह से, जिसका मेन फैक्टर होता है वापस जेनेटिक होता है, यानी कि आपके पास अगर फोर फादर्स में आपके पास जो है वो अल्जाइमर आ रही है तो उससे ये ट्रांसफ़र होती है ऑफस्प्रिंग्स में, और आपस ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है वो आपस अल्जाइमर आ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर फोर फादर्स में है तो ये आगे फिर ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र होगी। दूसरा आपके पास आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जीन्स के अंदर म्यूटेशंस करवा रहे हैं, जीन्स को डिस्टर्ब करवा रहे हैं, उस वजह से वो आगे जाके क्या करेगा, अपने प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से भी आपके पास ये डिजीज़ हो सकती है। तीसरा आपके पास आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है कि हाई एल्युमिनियम लेवल जो है वो इसको ट्रिगर करती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना शुरू कर देंगे तो वो नॉर्मल इंसानों में भी अल्जाइमर के जो है वो सिम्टम्स पैदा करेगी। ये क्या है कि अगर एक पर्सन के अंदर नॉन है कि उसने उसके अंदर जाके अल्जाइमर होनी है, और अगर वो अल्मोनियम के बर्तनों में खाना खाता है तो फिर क्या होगा, वो अल्मोनियम का जो हाई लेवल है वो उसके अंदर ट्रिगर करेगा कि ये डिजीज़ जो है वो पहले डिवेलप हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर 40s में जाके ये डिजीज़ डिवेलप होनी थी, तो अगर वो अल्मोनियम कंज्यूम करता है तो उसके अंदर 35 या 30s में ही ये डिजीज़ जो है वो डिवेलप करना शुरू कर देगी। तो इस डिजीज़ के ऑनसेट को वो बेसिकली क्या कर रही है, जल्दी लेके आ रही है। तो बेसिकली इस डिजीज़ में होता क्या है कि आपके पास ब्रेन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिक्लाइन कर देता है विद एज, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्रेन जो है अपना काम छोड़ देता है, यानी कि बेसिक मेमोरीज जो है उनको भूलना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली जो है जब आपके पास इस डिजीज़ का पीक आता है तो आपके पास वो सब कुछ भूल गया होता है, इवन अपने रिलेटिव्स, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ को जो है वो भूल जाता है। तो ये आपके पास थी अल्जाइमर डिजीज़। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन, यानी कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन के ऊपर। ठीक है, इसमें आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है निकोटीन के रोल को। ठीक है, निकोटीन का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का जो रोल है उसको मिमिक करता है, यानी कि उसको जो है वो कॉपी करता है। अब एसिटाइल कोलिन हम लोगों ने जो है वो कहाँ पे पढ़ा था, साइनेप्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आपके पास जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। ठीक है, अब जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उससे जो मैसेज है उसको जो है आपके पास वो किस तरह से ट्रांसफर होता है, इम्पल्स जो है वो इस तरह से न्यूरो ट्रांसमीटर से उसको कैरी करते हैं आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर आपके पास ये आपके पास जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर अटैच होते हैं, और आपका इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो क्या होती है, इस तरह से ट्रांसफर होती है। अब आपके पास जो एसिटाइल कोलिन है वो आपके पास एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसकी जगह पे क्या हो रहा है, आपके पास निकोटीन जो है वो जाके अटैच हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, आपके पास एसिटाइल कोलिन का जो रोल है उसको वो क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है, यानी कि उसको कॉपी कर रहा है। ये आपके पास किस पे करता है कॉपी, यानी कि जो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यानी कि एसोसिएटिव न्यूरॉन की या फिर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की। पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है जहाँ पे जाके एसिटाइल कोलिन ने लगना था, वहाँ पे जाके क्या होता है, निकोटीन अटैच हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ जब पे जाके जब ये अटैच होता है तो ये करता क्या है, ये आपके पास नर्व इम्पल्स जो है जो जिसको इसने कैरी करना होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि उसकी स्पीड जो है उसको ज़्यादा कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो आपके पास स्पीड से होंगे। ठीक है, आपके पास इम्पल्स क्योंकि स्पीड से आ रही है तो आपके पास जो डिफरेंट फंक्शन है वो स्पीड से परफॉर्म होंगे। जैसे कि इस स्लाइड में अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो दो न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं, जैसे ये वाला जो न्यूरॉन है ये आपके पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वाला आपके पास जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब यहाँ से आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर आए, उसके अंदर क्या था, आपके पास इस तरह से वेसिकल के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर थे जो कि आपके पास यहाँ पे गए, यहाँ पे रिलीज हुए, और वहाँ पे जाके आपके पास जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जो जाके अटैच हुए, और उसकी वजह से आपके पास जो है वो यहाँ पे इम्पल्स को लेके जा रहे हैं। अब ये आपके पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर थे ये आपके पास एसिटाइल कोलीन था, अब उसकी जगह पे क्या हो रहा है, आपके पास निकोटीन जो है वो जाके अटैच हो रहा है, यानी कि इन रिसेप्टर्स के ऊपर अब कौन अटैच होगा, एसिटाइल कोलीन की जगह पे जाके निकोटीन अटैच होगा, और उसने करना क्या है, आपके पास जो नर्व इम्पल्स है उसको स्टिमुलेट करना है। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स है उसको क्या करेगा, आपके पास स्लाइड में दिखाया हुआ है कि आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है।
तो आपके पास जो है वो रिसेप्टर्स के ऊपर क्या हो रहा है, जहाँ पे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, यानी कि आपके पास ये वाली जो मेम्ब्रेन आ रही थी, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन जहाँ पे लगना था वहाँ पे निकोटीन जो है ये आपके पास जाके अटैच हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपके पास जो मैसेज इसने ट्रांसफ़र करना था एसिटाइल कोलिन ने, वो अब आपके पास निकोटीन ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन ज़्यादा स्पीड से कर रहा है, ठीक है, जिससे आपके पास जो है वो इम्पल्स है वो स्टिमुलेटेड हो जाएगी और आपके पास मैसेज जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होगा। तो बेसिकली आपके पास इसने किया क्या, निकोटीन ने इसने आपके पास नर्व इम्पल्स है उसको स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से बॉडी के जो फंक्शंस हैं वापस स्टिमुलेट हो गए। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट जो है आपके पास स्टिमुलेट हो जाता है, ब्लड जो है जो आपके पास हार्ट है वापस जल्दी से ब्लड को पम्प करना शुरू कर देता है। इसी तरह से आपके पास जो ब्लड का प्रेशर है वापस इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मोबिलिटी है, यानी कि जो आपकी डाइजेशन लेवल है, वो भी आपके पास इंक्रीज़ कर देगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक की जो मोबिलिटी है उसको भी ये ज़्यादा करवा रहा है। इसके अलावा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा निकोटीन अगर आपकी बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाए, यानी कि वो आपके पास सेव होना शुरू हो जाए, तो आपके पास वॉमिटिंग कॉज करवा सकते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग कॉज करवाएगा और आपके पास डायरिया की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि लूज मोशन की कंडीशन आ जाएगी। इसके अलावा वो क्या करता है, वाटर को रिटेन करवाना शुरू कर देता है, वाटर को सेव करना शुरू कर देता है किडनी के अंदर, यानी कि आपके पास सारी बात है वाटर के अंदर ही मिक्सअप होकर आपके पास नाइट्रोजन स्पेस जो थे वो बॉडी से बाहर निकलने थे। तो नाइट्रोजन स्पेस जब सही तरह से निकल नहीं पाएंगे तो आपके पास किडनी स्टोन्स की जो फॉर्मेशन है उसके चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। तो ये आपके पास इफेक्ट आ रहा था ड्रग्स का ऑन कोऑर्डिनेशन।